जब प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी की कीर्ति पूरे देश में बढ़ गई तो यह खबर सम्राट अकबर के दरबार में भी जा पहुंची। इस वजह से सम्राट अकबर की जिज्ञासा उनसे मिलने की हुई। फिर अकबर ने संत दादू दयाल जी को बुलाने के लिए कई पत्र भेजे, लेकिन उन्होंने एक पत्र का भी उत्तर नहीं दिया। सम्राट अकबर के मन में संत दादू दयाल जी के दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अतः उन्होंने आमेर के राजा भगवंत दास को बुलाकर कहा कि तुम्हारे नगर में संत दादू दयाल जी रहते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ उनको बुलाओ और यदि वह यहाँ नहीं आए तो हम वहाँ चलेंगे। संत दादू दयाल जी अपने शिष्यों सहित 7 ही दिनों में सीकरी जा पहुँचे। अकबर ने उनके दर्शन करके कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूँ जो आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। जब बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि खुदा की जात क्या है, तब दादू दयाल जी ने उत्तर दिया कि इसक अल्लाह की जात है, इसक अल्लाह को रंग, इसक अल्लाह मौजूद है, इसक अल्लाह को अंग। तब बादशाह अकबर उनके इस उत्तर से और उनके सत्संग से काफ़ी खुश हुए। संत दादू दयाल जी के विचारों को सुनकर बादशाह अकबर काफ़ी प्रभावित हुए और 51 दिन आध्यात्मिक चर्चा के बाद संत दादू दयाल जी ने अकबर से कहा कि आपको मेरे उपदेशों से कुछ तो धारण करना होगा, केवल सिर झुकाने से क्या लाभ होगा। तब बादशाह अकबर बोले कि भगवान आप आज्ञा दें, मैं वही करूँगा। संत दादू दयाल जी ने कहा कि आप अपने राज्य में गोहत्या बंद कर दें, तभी हमारा उपदेश सार्थक समझा जाएगा। और इसके अगले ही दिन अकबर ने राज्यसभा में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में आज से गोहत्या सर्वथा बंद है और जो गाय को मारेगा उसे अवश्य दंड दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह हमारी संस्कृति को बचाने में और उसे आगे बढ़ाने में संतों का काफ़ी योगदान रहा है।